तो हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो गाइस, फाइनली जो वीवो का S7 है वो चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो गाइस, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, वीवो के S7 में आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, एक 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। तो गाइस, जो 8GB रैम, 128GB की प्राइस है वो 2,798 yuan है। अगर आप कन्वर्ट करोगे इसे इंडियन रुपीज़ में तो आपको 30,000 rupees तक इसकी प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको 30,000 rupees स्मार्टफोन की प्राइस मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रही बात सेकंड वेरिएंट की, तो सेकंड वेरिएंट में आपको 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जिसकी प्राइस आपको 3,098 yuan देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे 33,000 rupees आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस देखने के लिए मिलती है स्मार्टफोन की। और इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी भी खास नहीं है जितनी प्राइस वीवो चार्ज कर रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। तो इस वीवो ने इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था कि इसका जो कैमरा है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, बट जो पीछे वाले कैमराज है वो इतने अच्छे तो नहीं है। आपको जो सेंसर मिलते हैं वो भी आपको ठीक ठाक से देखने के लिए मिल जाते हैं। और रही बात इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा। और रही बात इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की, तो यहां पर आपको डिस्प्ले के कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं मिलते, आपको स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलते हैं जो 60Hz पर मिलते हैं। और रही बात इसके प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको 5G का इनबिल्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लिक्विड कूलिंग 2.0 का सपोर्ट मिलेगा, और इसके साथ ही मल्टी टर्बो 3.5 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और रही बात इसके कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन के जो कैमरास है वो आपको ठीक ठाक से मिल जाते हैं। 44+8MP के आपको दो कैमरास मिलते हैं सामने वाली साइड, जहां पर आपको एक वाइड नोच देखने के लिए मिलती है, तो आपको एक चौड़ी सी नोच देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको दो कैमरास मिल जाते हैं। और रही बात इसके पीछे वाले कैमरास की, तो पीछे वाली साइड आपको तीन कैमरास मिलते हैं, जहां पर आपको 64MP का रियर कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर मिलता है। 8MP का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 120 डिग्री तक का अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हो। और उसके साथ ही 2MP का आपको एक मोनोक्रोम सेंसर मिल जाता है, जिससे आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो गाइस, इसके जो कैमराज है वो मुझे इतने खास नहीं लगे, आपको ठीक ठाक से कैमराज मिल जाते हैं, बट जो आपको फ्रंट कैमराज मिलते हैं वो काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। और रही बात इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको वीवो की कस्टम रोम फ्रंट टच ओएस 10.5 का सपोर्ट मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और इसमें आपको डुअल 5G मोड का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी कमी स्मार्टफोन की यह है कि इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट्स देखने के लिए नहीं मिलते, और ना ही आपको इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है। तो आपको इसमें नैनो प्लस नैनो दो सिम्स का सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप सिर्फ दो सिम भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। तो गाइस, अगर ये जो स्मार्टफोन है अगर इंडिया में लॉन्च ना हो तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो ये ऑफलाइन मार्केट में काफी ज्यादा बिकेगा, क्योंकि जो वीवो के स्मार्टफोन्स होते हैं वो ज्यादातर ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में इनके जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा बिक जाते हैं। तो गाइस, ये थी वीवो S7 की एक डिटेल स्पेसिफिकेशन। मुझे ये जो स्मार्टफोन है वो इतना खास नहीं लगा, तो देखते हैं कि आगे चलकर वीवो क्या करता है और इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होता है या नहीं होता। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।